नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के 800 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल काम है। हालांकि उनका मानना है कि दुनिया में एक ऐसा ऑफ स्पिनर है जो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मुरलीधरन का मानना है कि भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नैथन लियॉन को इसके काबिल नहीं समझते। नैथन लियॉन में उन्हें क्षमता की कमी नजर आती है। कोलंबो स्थित अपने घर में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बातचीत करते हुए मुरलीधरन ने कहा, टेस्ट क्रिकेट में समस्या यही है कि T20 और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों ने गतिशीलता को बदल दिया है। जब मैं खेलता था तब बल्लेबाज तकनीकी रूप से बहुत अच्छे थे और विकेट सपाट थे। अब वो 3 दिनों में मैच खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमारे समय में गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते थे, उन्हें विकेट के लिए चमत्कारिक प्रदर्शन करना पड़ता था। मुरलीधरन ने कहा, अगर आप उस समय लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते थे तो आपको 5 विकेट मिलते थे। ये ऐसा इसलिए होता था कि बल्लेबाज अटैक किए बिना ज्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता था। क्या कोई आज का गेंदबाज 800 विकेट ले सकता है? इस सवाल पर मुथैया ने कहा, अश्विन के पास मौका है क्योंकि वो एक महान गेंदबाज है। उनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई युवा गेंदबाज वहां तक पहुंच सकता है। शायद नैथन लियॉन, लेकिन उनमें वहां तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। वो 400 विकेट के करीब हैं, लेकिन बहुत सारे मैच खेलने पड़ेंगे। श्रीलंका क्रिकेट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, आप क्रिकेट बोर्ड की रणनीति के बारे में जानते हैं। हमारे पास कई सारे खिलाड़ी हैं और कई सारे कप्तान हैं। मुझे याद है जब मैंने खेलना शुरू किया था तो अर्जुन रणातुंगा 10 साल तक कप्तान थे। उनके बाद सनत जयसूर्या 4 साल तक कप्तान रहे, फिर महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा। मैंने अपने 20 साल के करियर में 4 या 5 ही कप्तान देखे, लेकिन इस समय हर 6 महीने में कप्तान बदल जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि टैलेंट नहीं है, ऐसा इसलिए होता है कि कोई लीडर नहीं है और हम साथ नहीं खेलना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की तरह हो गए हैं। मुथैया मुरलीधरन ने जिस तरीके से अश्विन पर भरोसा जताया है, ये काफी हैरान कर देने वाला है। रविचंद्रन अश्विन ने अब तक अपने टेस्ट करियर के 74 मैचों में 377 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें बेस्ट बॉलिंग उनका 7 विकेट लेकर 59 रन है। उन्होंने 5 विकेट 27 बार, वहीं एक मुकाबले में 10 विकेट 7 बार निकाले हैं। वहीं टेस्ट इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची पर एक बार नजर डालें तो मुथैया मुरलीधरन ने 133 मैचों में 800 विकेट का कारनामा किया था। इसके अलावा दूसरे नंबर पर शेन वॉन है, जिन्होंने 145 मैचों में 708 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर भारत के अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट हासिल किए थे। टॉप 3 में तीनों ही स्पिन गेंदबाज हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।